एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ है। मित्रों ने कहा, प्रहलाद जी तुम बताओ तुमने ये संस्कार कहां से पाए। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी तपस्या करने गए, पक्षी ने नारायण कहा, लौट कर आए, दिन भर मेरी माँ ने उनसे भगवान का नाम जपाया और मैं माँ के गर्भ में आया, तो मेरी माँ का हरण देवराज इंद्र ने कर लिया मुझे मारने के उद्देश्य से। तब नारद जी ने बचाया और मेरी माँ को खूब बढ़िया बढ़िया उपदेश किया, वो ज्ञान मुझे है। प्रहलाद जी ने मित्रों से कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी। हाँ, ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर कौमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना शुरू कर देना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। सारे लोग कीर्तन करने लगे, तभी हिरण्यकश्यप आ गए, बड़ा गुस्सा हुआ, क्यों रे, कहाँ है तेरा भगवान, बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी न के विलंबे भवतश्च राजन सवई विलंब बलिनाम चा परेशम, कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंभे में तेरा भगवान है। बोले हाँ, जो प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, खंबा चीर कर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यप बोला, मैं न दिन के मरू न रात को मरू। भगवान बोले, ना ये दिन है न रात, संध्या का समय, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरू। भगवान बोले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। मैया बैठ लो मेरी माँ, बीच में खड़ी ना रहो मेरी माँ, बैठ जाओ जल्दी से। ओ मैया मोबाइल चला रही है, खड़ी होके मेरी माँ, बैठो पंचायती मैया, जल्दी बैठ जाओ, जा रही हो तो जल्दी जाओ, बैठ रही हो तो जल्दी बैठो, सुन लो मेरी माँ। तो पेट आप बैठो जल्दी से। श्री प्रहलाद जी के कहने से भगवान प्रहलाद जी का वचन मिथ्या ना हो, नरसिंह भगवान आए और भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ कर उनकी आंतों को निकाल कर माला बनाई और हिरण्यकश्यप को कृतार्थ कर दिया, भगवान ने तार दिया। प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर भगवान ने बड़ा लाड़ किया, भगवान की सबने स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मादय सुरगण मुनयो छ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने स्तुति की भगवान से। भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की आपसे इच्छा ना हो, यही वरदान दो। निष्काम भक्ति प्रहलाद जी ने मांगी, भगवत धाम को भगवान गए। एक बार भगवान हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार लेते हैं और हाथी की रक्षा की समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी कक्षप मोहिनी बनकर आए, वामन बनकर आए। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की और राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान दिया। 2 पग में भगवान ने सब नाप लिया। राजा बलि से कहा, 3रा पग कहाँ रखें। राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी मेरे धन को नापा, मुझे नाप लो। 3रा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा।